एक और ऑप्शन है, जिस दिन स्कूल ना जाओ और जल्दी आना चाहो तो 12:45 का बैच है और इससे पहले अभी 2:30 बजे ख़त्म हुआ है, फिर 2:30 से लेके अब ये बैच स्टार्ट होगा और एक 5:40 वाला है, तो तीनों में रिपीट होगा सेम टू सेम। तो आपको अगर उसमें शिफ्ट करना है कभी भी किसी मर्जी आ सकते हो, तीनों बैचेज में एग्जैक्टली सेम होगा। अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा या जल्दी करना चाहता है अपना काम ख़त्म तो उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट शीट स्टार्ट की थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमने रादर स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हमने कूलम फॉर्मूला किया। कूलम फॉर्मूला के अंदर हमने ये देखा कि एसआई सिस्टम के अंदर कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड किसी और मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्सेस की वैल्यूज थी। CGS के अंदर यही वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल हो गई थी, 1, और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की रेशियो हमने निकाली थी। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वॉज इक्वल टू, इस नेक्स्ट पेज पे है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, ये हमने कर लिया। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए, वेक्टर फॉर्म किया लास्ट टाइम हमने, वेक्टर फॉर्म के बाद आज हमने स्टार्ट करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर लेट अस सपोज आपके पास तीन, या मान लो सपोज ये एक, मैं दो और ये तीन, तीन लोग हैं और क्वेश्चन है कि ये मुझे खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये मुझे खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, 10 न्यूटन 2 न्यूटन, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो 10 माइनस 2, आप लोग कहेंगे 8 न्यूटन इस तरफ, राइट? ये रूल है। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं कि सपोज ये मुझे खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन और ऐसे ही वो मुझे खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, तो टोटल फोर्स मेरे ऊपर 10 प्लस 2 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में। आप कर क्या रहे हो, आप इसमें टोटल वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। वेक्टर में आप बेसिकली ये देख रहे हो कि दो वेक्टर किस डायरेक्शन में है, अगर तो ऑपोजिट है तो दोनों को माइनस कर दो और अगर सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर तो दोनों को ऐड कर दो। तो हम वेक्टर की डेफिनेशन में ये बोलेंगे कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। चार्जेस के अंदर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जब मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं और मैंने कहा कि मेरे ऊपर फोर्स निकालो कितनी है, तो आप सारे वेक्टर्स मेरे ऊपर देख रहे हो कि इसने मुझे इस तरफ खींचा, इसने मुझे इस तरफ खींचा, तो वेक्टर जो ड्रॉ कर रहे हो मेरे ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो और मेरे ऊपर नेट फोर्स निकाल रहे हो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं कि चलो हम तीन लोग हैं, मेरे को नेट फोर्स बताओ कि इसके ऊपर कितनी लग रही है, सच दैट मैंने इसे खींचा विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन और इसने खींचा विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब सारे के सारे वेक्टर मेरे को छोड़ के आपने कहां प्लॉट करने शुरू कर दिए, इसके ऊपर। तो एग्जैक्टली जिस बॉडी की बात हो रही है उसी के ऊपर सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको इसको चार्जेस की फॉर्म में सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन चार्जेस हैं, 3, 2 एंड 4 कूलम, और सपोज मेरा क्वेश्चन है नेट फोर्स निकालो किसके ऊपर निकालनी है, प्लस टू चार्ज के ऊपर, जो प्लस टू कूलम का चार्ज है इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स निकालनी है। अब देखने वाली बात यह है कि प्लस टू कूलम को कौन कौन फोर्स लगाएगा। प्लस टू कूलम को सबसे पहले 3 कूलम प्लस टू कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऑब्वियसली प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ऑब्वियसली ये प्लस प्लस की डायरेक्शन वेक्टर की फोर्स की इस तरफ बनेगी और इस प्लस और प्लस की डायरेक्शन कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो कई लोग सोचते हैं कि वेक्टर ऊपर नीचे क्यों है, तो रियलिटी में डायग्राम ऐसा है, प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 2। तो अगर मुझे इसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करने हैं तो ये इसे रिपेल करेगा, तो एग्जैक्टली वेक्टर ऐसे बनेगा पहला, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो दूसरा वेक्टर यहां बनेगा। हम इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल
ये प्लस ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि जगह कम है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही लगती है फिगर, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा 1/4 pi epsilon naught 3 × 2 / 1 का स्क्वायर। ये वेक्टर समझ में आ रहा है रिपल्शन का। सिमिलरली ये प्लस प्लस 2 कूलम को रिपेल करेगा इस तरफ 1/4 pi epsilon naught 4 × 2 / 1 स्क्वायर। अब ये देख लेंगे कि कौन सी बड़ी फोर्स है कौन सी छोटी है एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर 6 न्यूमिनेटर 8, तो ये वाली फोर्स बड़ी और ये वाली छोटी। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देंगे माइनस, और नेट फोर्स कहां जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये आपके पास नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी और वैल्यू भी आएगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आंसर आएगा। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है यहां तक? तो आज का पूरा लेक्चर सिर्फ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है और आज सिर्फ यही देखेंगे कि डायरेक्शंस आप लोग कैसे बनाएंगे और वेक्टर की सही पोजीशनिंग आप कैसे करेंगे, बस इसी के ऊपर पहला लेक्चर है। फोर्स का चैप्टर कुछ भी नहीं है, फोर्स सिर्फ वेक्टर से बना हुआ है। कूलम फोर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बाकी सब वेक्टर का काम है। फॉर एग्जाम्पल नेट फोर्स अब 3 कूलम के ऊपर निकालना है इस फिगर के अंदर। अब 3 कूलम क्वेश्चन वही है, 1 मीटर 1 मीटर और ये तीन फोर्स तीन चार्जेस हैं। इस बार मुझे नेट फोर्स 3 कूलम पे निकालनी है। अब 3 कूलम के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो सारे वेक्टर किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, प्लस 3 कूलम के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। कैसे? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इसके ऊपर ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि 4 2 को रिपेल कर रहा है, 2 4 को करता है, जरूर कर रहा है, पर मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरे को पूछने वाले ने क्वेश्चन 3 कूलम के ऊपर पूछा, मेरे को उससे ये नहीं पूछा कि आपस में क्या कर रहे हैं, जो मर्जी करें, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि +3 कूलम को 2 कूलम रिपेल करेगा, तो वेक्टर यहां बनेगा 1/4 pi epsilon naught 2 × 3 / 1 का स्क्वायर, और ऐसी +4 + 3 को रिपेल करेगा 1/4 pi epsilon naught 4 × 3 / डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 2 का स्क्वायर। दोनों फोर्सेस आ गई, फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस, इन्हें ऐड कर लो, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12/4, 1/4 pi epsilon naught 9 × 10^9, 9 × 10^9, इन्हें सॉल्व करो और आपके पास जो नेट आंसर इसके इक्वल आएगा। और डायरेक्शन के लिए मैंने बोल दिया कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट आंसर भी कहां आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, या नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल लो या लेफ्ट बोल लो, एक ही बात है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाना है? इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते जाओ 3 4 एग्जाम्पल्स को, उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आप खुद लगा के देखना उनके ऊपर वेक्टर्स के रूल। तो फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने 3 चार्जेस लिए, इन 3 चार्जेस के अंदर एक नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। अब नेगेटिव चार्ज को कैसे हैंडल करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि ये लो ये -2 कूलम चार्ज है और ये +3 कूलम चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर सपोज। तो मैंने ये पूछा कि ये बता इनके फोर्स क्या होगी इनके बीच में। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r² होता है, तो 9 × 10^9 इंटू फर्स्ट चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, डिवाइडेड 1 का स्क्वायर। तो उसने कहा कि -6 × 9 × 10^9 न्यूटन मेरा आंसर आता है। मैंने ये पूछा कि माइनस साइन क्यों पुट किया, तो बोल रहा है क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव था और एक चार्ज नेगेटिव था। तो ये पूछा कि एंड में नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, एंड में नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं है। ठीक है, समझ में आता है? अगर फोर्स आज के बाद रूल बन गया कि फोर्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि रिपल्सिव फोर्स है, और अगर फोर्स की कैलकुलेशन में नेगेटिव है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक, बात समझ में आ गई मेरे? अब इस ये एक मेथड है बात करने का। ठीक, आप ये रूल गलत नहीं है, आप अपने चार्जेस में नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को पुट कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। कुछ ऑथर्स ऐसे करते हैं कुछ बुक्स के, कुछ ऐसे नहीं करते, कुछ ऐसे करते हैं। सेम क्वेश्चन है, वो ये बोलेंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बोलेंगे कि क्योंकि कूलम ने हमें मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था,
तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे इरिस्पेक्टिव की चार्ज क्या है, 2, 3 by 1 का स्क्वायर, तो वो लोग बोलेंगे कि मेरा आंसर इसके इक्वल आ गया। लेकिन वो गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि उन्होंने माइनस साइन या प्लस साइन का आंसर सेम दिया। फिर वो ब्रैकेट में एक्सप्लिसिटली अलग से लिखेंगे कि अगर इन्होंने मैग्नीट्यूड पुट किया और उनको मालूम था कि एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एंड में लिखना पड़ेगा दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड में लिखा जाएगा द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो ये भी सही है। जो लोग अट्रैक्टिव नहीं लिखना चाहते वो तो साइन क्या लगा दें, माइनस। जो लोग मैग्नीट्यूड में काम करना चाहते हैं वो एंड में क्या लिख दें, अट्रैक्टिव, कि हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और अट्रैक्टिव या रिपल्सिव एंड में लिखेंगे। ये भी सही है, आपकी मर्जी है आपको क्या पसंद है। तीसरा मेथड, अगर ये भी पसंद नहीं, कई बुक्स ऐसे भी नहीं करती, कई ऐसे करती हैं कि सपोज करो ये आपके पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस में मालूम है कि 3 कूलम ने -2 कूलम को अपनी तरफ क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा। तो वो क्या कहती हैं कि हम ना अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी नहीं लिखेंगी, हम वेक्टर ड्रॉ करेंगी ऐसे। ये लो वेक्टर। वेक्टर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि प्लस और प्लस चार्ज रिपेल करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों प्लस होते तो मेरा वेक्टर यहां की बजाय कहां बनता, ऑपोजिट। इट शोज कि दो चार्जेस डायग्राम की हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और वो फोर्स की वैल्यू क्या बोलेंगे, फोर्स की वैल्यू के अंदर वो सिंपल मैग्नीट्यूड ही लेना पसंद करेंगे। वो कहते हैं हम माइनस साइन को यहां पुट नहीं करेंगे, ना हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव लिख रहे हैं, लिख भी दोगे नुकसान नहीं है, पर वो वेक्टर से शो कर देंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है। तो आपकी मर्जी है, आपको क्या टेक्निक पसंद है ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन रहती है फिजिक्स में, तो कोई भी ऑथर क्या करेगा वो उसकी मर्जी रहेगी और आपकी भी मर्जी रहेगी। मेरी मर्जी क्या है, मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं अपने चार्जेस में नेगेटिव साइन पुट नहीं करूंगा किसी भी फॉर्मूले में, मैं मैग्नीट्यूड के साथ काम करता हूं और मैं अपना काम जो है वो वेक्टर की फॉर्म में ही करना पसंद करूंगा। तो आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप कोई और मेथड चूज करना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आपको अपना मेथड दिखाता हूं कि मैं कैसे करूंगा, उसके बाद बात करते हैं। जैसे मेरी ये प्रॉब्लम है कि -3 कूलम का चार्ज +4 और +6, 3 चार्जेस हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, सॉरी मुझे ड्रॉ करना है -3 कूलम के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी। -3 कूलम का क्वेश्चन है तो सारे वेक्टर किसके ऊपर ड्रॉ करने हैं, -3 कूलम के ऊपर ही ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करने हैं अब देखना पड़ेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन का कैसे। फॉर एग्जाम्पल +4 माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो मैंने अट्रैक्शन लिखने की बजाय वेक्टर कहां ड्रॉ कर दिया, इस तरफ, ये शो करते हुए कि +4 -3 को अट्रैक्ट करेगा। मेरा वेक्टर ही खुद बोल रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अगर रिपल्सिव होता तो मैं वेक्टर राइट लेफ्ट ड्रॉ कर देता। तो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught। मैंने मैग्नीट्यूड लिया, माइनस साइन नहीं पुट करूंगा क्योंकि नेगेटिव साइन, ये वेक्टर इटसेल्फ ये शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 × 3 / 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट है +6 -3 को अट्रैक्ट करेगा, तो +6 का भी वेक्टर यहां ड्रॉ करना है, 1/4 pi epsilon naught 6 × magnitude of 3 / 1+1 2 का स्क्वायर। मैंने बिल्कुल भी माइनस साइन नहीं पुट किया, मैंने अपनी अट्रैक्शन की जो वेक्टर्स हैं दो वेक्टर ड्रॉ कर दिए जो दोनों शो कर रहे हैं कि अट्रैक्शन है। तो मेरे हिसाब से जो नेट आंसर आएगा वो इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा। जब मैंने इन्हें ऐड किया तो ये आंसर आ गया 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, इन्हें सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। और नेट फोर्स दोनों को ऐड करने के बाद कहां मिलेगी, टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट लिख दो, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख लो, कोई फर्क नहीं है। बट ये मेथड मैं फॉलो करूंगा, मैं जब फोर्स की कैलकुलेशन करूंगा तो सारा कुछ वेक्टर से ही ड्रॉ कर दूंगा और वेक्टर की हेल्प से, प्लस वन के वेक्टर की हेल्प से सारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं यहां माइनस नहीं पुट करूंगा। कई लोग यहां माइनस माइनस पुट करेंगे क्योंकि दोनों में माइनस माइनस आएगा, उनका फाइनल आंसर माइनस आएगा जो ये शो करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है,
पर वेक्टर उनको फिर भी ड्रॉ करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि नेट आंसर राइट आया या लेफ्ट आया। ठीक, ये आपकी मर्जी है आप क्या मेथड चूज करते हो। मैं ये मेथड चूज करता हूँ। ठीक, तो मेरे से कोई बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं माइनस पुट करना है कि नहीं करना ही नहीं, एक हम तो रूल ही बना दिया कि हम तो उसमें वैल्यूज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस साइन का काम हम वेक्टर से करके देखेंगे। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? मैं और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन है, रादर आप करके देखो, 3 माइनस 4 और माइनस 8, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस 4, कर दो शीट में कर दो, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस 4। शीट में पहली शीट, पहली वाली शीट, तो देखो माइनस फोर के ऊपर आपने ऐसे ड्रॉ किया होगा, प्लस थ्री ने ऑब्वियसली कुछ गिवन नहीं तो प्लस है, प्लस थ्री ने माइनस को अपनी तरफ क्या किया अट्रैक्ट, तो एक वेक्टर यहां ड्रॉ किया क्योंकि क्वेश्चन माइनस फोर कूलम के ऊपर है तो सारे वेक्टर माइनस फोर कूलम पे बनेंगे, तो प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट किया। राइट, इसकी वैल्यू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड लेंगे डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। सिंपल, वेक्टर ने शो कर दिया अट्रैक्शन तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली माइनस 8 माइनस 4 को क्या करेगा रिपेल, तो रिपल्शन में माइनस 8 माइनस 4 को इस तरफ रिपेल करेगा तो ये वाला वेक्टर भी यही बनेगा, मैग्नीट्यूड में 1/4πε0, 4 और 8 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एक इसकी फोर्स आ गई मैग्नीट्यूड में, एक इसकी फोर्स आ गई मैग्नीट्यूड में, इसने इसे अट्रैक्ट किया, इसने माइनस ने माइनस को रिपेल किया, तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे इन दोनों फोर्सेस को उठा के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे टुवर्ड लेफ्ट, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पहला रूल क्लियर है। ठीक, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो जैसे अभी शुरू करने हैं क्वेश्चंस, तो मतलब ये बेसिक रूल आपको माइंड में रखने हैं कि जिसके ऊपर नेट फोर्स पूछी सारे के सारे वेक्टर उसी के ऊपर ही ड्रॉ करने हैं। कोई ये ना करे पेपर में मैं इसके ऊपर इसने इसको रिपेल किया अननेसेसरी इनकी फोर्सेस या अननेसेसरी इनकी फोर्सेस निकालनी शुरू कर दे, नहीं चाहिए। इसने इसके ऊपर फोर्स जरूर लगाई पर मुझसे पूछा नहीं कि 3 कूलम को कितनी फोर्स लगी, मेरे से पूछा माइनस 4 कूलम का आंसर बताओ, तो सारे वेक्टर माइनस 4 के ऊपर ही ड्रॉ किए जाएंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एक 1 कूलम के दो चार्ज पड़े हुए हैं और एक 2 कूलम का चार्ज है, और ये कितना है 4, ये 3, ये सब डायमेंशंस के 1 है। नेट फोर्स मुझे बतानी है किसके ऊपर 2 कूलम को कितनी फोर्स लगी टोटल। तो सबसे पहले 2 कूलम को फोर्स कौन लगाएगा, उसके आसपास पड़े हुए चार्जेस लगाएंगे। आसपास पड़े हुए कौन कौन से चार्जेस हैं, एक 1 और एक 1, तो 1 कूलम 2 कूलम को क्या करेगा रिपेल, तो वेक्टर यहां बनेगा स्ट्रेट, तो 1 कूलम प्लस है 2 कूलम प्लस है प्लस प्लस को रिपेल करेगा। सिंपली ये 1 कूलम 2 कूलम को क्या करेगा रिपेल, तो 2 वेक्टर बनेंगे रिपल्शन के, और फिर मैं कुछ वेक्टर का रूल लगा के
इनको पैरेललोग्राम लॉ या किसी भी तरीके से नेट आंसर निकाल लूंगा। तो इसको करने का तरीका ये रहेगा कि सपोज आपके पास 1 और 1 कूलम और ये 2 कूलम, 1 कूलम 2 कूलम को रिपेल करेगा, तो क्या ये वेक्टर सबको दिखाई दे रहा है? सही है। और इसकी वैल्यू साथ की साथ लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 2 / 5 का स्क्वायर। ठीक, पहला रूल क्लियर हो गया, ये फोर्स आ गई। सिमिलरली ये 1 कूलम भी 2 कूलम को क्या करेगा? रिपेल, सेम फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 2 / 5 का स्क्वायर। अब दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, इनका नेट आंसर निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम लगाएं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें मुझे एंगल चाहिए होगा टोटल, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करके भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं कॉम्पोनेंट्स यूज करके दिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है इस ट्राइंगल में, तो बाईसिमेट्री नीचे और ऊपर का ट्राइंगल सेम है, तो ये एंगल भी थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से थीटा, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा। एफ के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। वेक्टर का रूल ये बोलता है कि थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट होगा और इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा होगा। तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ऐसी एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो दे विल कैंसल ईच अदर, इसका कोई रोल नहीं। नेट फोर्स क्या आएगी? ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी 2f cos थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? एफ की वैल्यू मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 2/5 का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू भी इस ट्राइंगल से निकल सकती है, कितनी? 4 / 5। ये भी तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, नेट फोर्स की ये वैल्यू आ गई। डायरेक्शन लिखनी चाहिए, मैं लिखना भूल गया, लिखना चाहिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वेक्टर है ना फोर्स, तो एंड में किसी भी फॉर्म में डायरेक्शन लिखो तो लिख सकते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू इतनी है, लेकिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या कोई भी नाम लगा दो कुछ भी, तो वहां पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है। तो वेक्टर का पूरा इसमें रोल है, और वेक्टर की हेल्प से ही आपके ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बंदा क्लियर है? 4 पॉइंट ये वाला, वो तो ये ट्राइंगल लिया ना, अपने मन से कोई भी एंगल ले लो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? दिस बाय दिस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो वो पुट किया, वैल्यू पुट की, कॉस थीटा तो मैंने खुद एज्यूम किया उसकी वैल्यू मुझको ही देनी है जो करनी है, तो मैंने अपने मन से इसमें थीटा लेके उसकी वैल्यू दे दी। राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, और उसके बाद फिर आगे शीट को कंटिन्यू करेंगे, राइट। उससे पहले एक और भी काम करेंगे, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ शीट से भी पहले, और क्वेश्चन से उस उन दो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बताता हूँ, फिर आप उसको करके दिखाना। देखो, सपोज आपके पास दो स्फेयर्स हैं आइडेंटिकल, ए एंड बी, बहुत छोटे हैं, और ए के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2। मैंने बोला आइडेंटिकल है, ये मत भूलना, बड़े छोटे साइज के नहीं है। अब ए एंड बी को मैंने कॉन्टैक्ट में ले आया, उनको मैं लेट अस सपोज पास ले आया, जोड़ दिया और फिर उन्हें सेपरेट कर दिया। अब देखो ये चार्ज्ड है, अब चार्ज के अंदर क्या होता है, जैसे मन में मान लो एक मिनट के लिए कि ये +10 कूलम का चार्ज है और ये -10 कूलम का चार्ज है, मान लो एक मिनट के लिए। अब इमेजिन करो होगा क्या, जब +10 और -10 होगा और आप इन्हें कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, ए के पास एक्सेस चार्ज है, ए के पास डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है, तो फालतू चार्ज है एक्सेस वाला डेफिशिएंसी को पूरी करेगा और ये खुद इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों न्यूट्रल। कई लोग बोलते हैं चार्ज आपस में कैंसिल हो गया, वो कैंसिल नहीं हुआ, वो डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया गया। ठीक, सारी गेम इसी के ऊपर डिपेंड करती है कितनी डेफिशिएंसी और कितना एक्सेस है, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि चार्ज शेयर तो होगा। तो जब आप इन्हें कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे, और ये कंडक्टर है, प्लीज कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, तो जब आप इन्हें कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे तो ये एक बॉडी की तरह एक्ट करेंगे। कहने का मतलब कि जब ए और बी के ऊपर जो भी चार्ज है और आप इन्हें क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और इनको सेपरेट करते हैं, तो आपको बताना है कि इनके ऊपर नया चार्ज क्या आएगा। जब आपने इन्हें जोड़ के रखा, अब ये दो बॉडीज नहीं है, अब बेसिकली ये एक ही बॉडी बन चुकी है,
जिसके ऊपर नेट और टोटल चार्ज कितने हैं, क्यू वन प्लस क्यू टू। अब जब आपने इन्हें सेप और इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसमें, जब आप इन्हें सेपरेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फाइनल चार्ज, अब टोटल चार्ज इनके ऊपर क्यू वन प्लस क्यू टू था, तो फाइनल चार्ज होगा वो अब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की साइज में कोई फर्क नहीं, तो बराबर बराबर चार्ज बांट के ये सेपरेट हो जाएंगे, तो नया चार्ज क्या आएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक बड़ा छोटा हो तो क्या होगा, तो तब भी क्या आंसर सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा स्फेयर है और एक छोटा सा स्फेयर है, अब अगर ये शेयर करने बैठे तो जब मिल जाएंगे फिर तो ये कहने में अच्छा लगता है क्यू वन प्लस क्यू टू टोटल चार्ज है, पर जब सेपरेट होंगे तो बड़ा स्फेयर ज़्यादा चार्ज मांग लेगा। तो एक चैप्टर आएगा जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, हर एक स्फेयर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज को शेयर करेगा। तो ये क्वेश्चन आज की डेट में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर उसने आइडेंटिकल स्फेयर नहीं दिए, डिफरेंट साइज का स्फेयर दिया, फिर पक्की बात है आपको एक चैप्टर आना चाहिए जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक हो गया, तो अभी तो आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल के केस में तो बिल्कुल क्लियर हो गया क्या करना है, ये क्वेश्चन में यूज होगा, उसी तरीके से होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने फिर एक और एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल आपकी शीट में जो होमवर्क मिलेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए बी और सी तीन स्फेयर्स हैं, तीन बॉडीज हैं, आइडेंटिकल हैं, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज Q1 है, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज Q2 है, और वो अनचार्ज्ड है। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा किसको किसके साथ जोड़ना है, या क्वेश्चन पूछने वाला देगा, आप खुद नहीं इस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको कहा पहले ए और सी को जोड़ दो, तो आप ए और सी को दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन क्यू वन है, सी का कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू में जीरो है, पर क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं तो दे विल एक्ट लाइक अ सिंगल बॉडी, तो टोटल चार्ज दोनों के ऊपर क्या माना जाएगा, क्यू वन प्लस जीरो, और जब आप सेपरेट करेंगे चार्ज आधा आधा बांट लेंगे, ये क्यू वन प्लस बाई टू, क्यू वन प्लस जीरो बाई टू। तो ए और सी जब कॉन्टैक्ट में आके सेपरेट होंगे तो ए के ऊपर फाइनल चार्ज क्यू वन बाई टू और सी के ऊपर फाइनल चार्ज क्यू वन बाई टू, ये सिचुएशन क्लियर है। अब किसी ने क्या कहा, सी के ऊपर चार्ज क्यू वन बाई टू है और बी के ऊपर क्यू टू था, अब इन्हें ज्वाइन कर दो और सेपरेट कर दो, तो बी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था क्यू टू, सी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था क्यू वन बाई टू, इन्हें आपने ज्वाइन कर दिया। जब आपने इन्हें ज्वाइन किया तो टोटल चार्ज क्या माना जाएगा, क्यू टू प्लस क्यू वन बाई टू, और जब ये सेपरेट होंगे तो आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा, Q2 टू प्लस क्यू वन बाई टू बाई टू, क्यू टू प्लस क्यू वन बाई टू बाई टू। तो ये फाइनल सिचुएशन आप देखेंगे। तो कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि दो को बॉडीज को जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज उनको जोड़ दिया, कॉन्टैक्ट में लाके सेपरेट कर दिया, तो पहले आपने क्या करना है, टोटल चार्ज और फिर जितने भी इनका इनिशियल चार्ज था, फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, टू, और फिर सेपरेट कर देना है। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग सिचुएशंस होंगी जिसके बेस पे ये क्वेश्चन चलेंगे, वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या आएगा, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा आपको, कि पहले टोटल चार्ज कर लो दोनों का, डिवाइड बाय टू कर दो उन्हें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें बोलो, वो क्वेश्चन में मैं पूछूंगा ना, वो आएगी शीट में लगेगा, पॉइंट चार्ज पॉइंट स्फीयर्स हैं लिखा होगा उसमें, साइज नेग्लिजिबल है, साइज नेग्लिजिबल है, इतना मतलब वो कूलम लॉ लग नहीं सकता स्फीयर्स पे, वो कह रहा है फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें लिखा होगा वो पॉइंट स्फीयर्स हैं, उसका साइज नेग्लिजिबल लेके करेंगे पॉइंट चार्जेस। ठीक, ओके, आपने ये क्वेश्चन करना है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर चार चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस एंड माइनस, स्क्वायर है, साइड ए है, इसके सेंटर पे बड़ा क्यू चार्ज है, आपको इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है जो इन चारों ने लगाई। मेथड क्या लगाना है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, दो वेक्टर, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट इस तरफ, तीन वेक्टर, चौथा वेक्टर माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दो वेक्टर इस तरफ, दो वेक्टर इस तरफ, क्योंकि एक यहां से रिपल्शन शो कर रहा है और यहां से अट्रैक्शन, दो इस तरफ दो इस तरफ, दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, ऐड हो जाएंगे,
दो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, फिर पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टरेशन से नेट आंसर आएगा। आप पहले वेक्टर ड्रॉ करो, अपने आप कहानी समझ में आएगी। इसको प्लीज ट्राई करो, इसको कॉपी के अंदर ट्राई करो और देखो वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करोगे। देखो इस क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट शीट मिली है आपको, नेक्स्ट शीट। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्रिंट आउट लेंगे रिसेप्शन से। शीट नंबर 2, हैंड रिटन शीट का फोल्डर है शीट नंबर 2। तो ये पहला क्वेश्चन है, उसमें प्लीज चेक करें। तो ये एक स्क्वायर है, क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो मैंने काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा था, कॉम्पोनेंट के साथ ड्रॉ किया, कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने कुछ इस तरीके से किया, प्लस क्यू, इस कैपिटल प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो इसका वेक्टर F1 रिपल्शन ये रहा। ये सबको समझ में आ रहा है कि सारे वेक्टर कैपिटल प्लस क्यू पे बनने वाले हैं, क्योंकि नेट फोर्स कैपिटल प्लस क्यू पे निकलेगी। सिमिलरली ये माइनस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसका वेक्टर भी कहाँ बनेगा, इस तरफ। तो ये प्लस क्यू का वेक्टर रिपल्सिव, माइनस क्यू का अट्रैक्टिव। सिमिलरली ये प्लस क्यू इस कैपिटल प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये चार वेक्टर समझ में आ रहे हैं, ठीक है यहां तक? क्योंकि एक रिपल्शन का, एक अट्रैक्शन का, एक रिपल्शन का, एक अट्रैक्शन का, ठीक है यहां तक? फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। आप एक काम करो, ये एक स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट टू ए,
ये आधा डायगनल है, तो आधा डायगनल जो होता है वो होता है ए बाय रूट टू, ए डिवाइडेड बाय रूट टू। तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, छोटा क्यू बड़ा क्यू, डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? और मैंने कहा था कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करेंगे, तो चाहे आप फोर्स ये पूछ लो, चाहे आप फोर्स ये पूछ लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू इज अगेन क्यू इंटू क्यू बाय ए बाय रूट टू का स्क्वायर। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर माइनस साइन ना ही लगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारा काम वेक्टर ही करा जा रहा है, माइनस साइन से कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। तो सारे फोर्सेज एक जैसी आंसर देंगे, क्योंकि ये और ये बायसिमेट्री सेम ही आंसर है, तो सारी फोर्सेज एग्जैक्टली सेम आंसर दे रही हैं। लेट सपोज कितना एफ, ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल वेक्टर क्या बनेगा F1 प्लस F3, और ये टोटल वेक्टर क्या बनेगा F2 प्लस F4। मैंने अलग से डायग्राम बना दिया एट एन एंगल ऑफ कितना 90। तो नेट फोर्स जो होगी, क्योंकि एंगल, क्योंकि इनको ऐड किया जा सकता है एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, इनको ऐड कर सकते हैं एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नेट वेक्टर क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ दिस का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट ये रहा। और क्योंकि F1, F2, F3, F4 का मैग्नीट्यूड तो F ही है, तो मैंने हर जगह क्या पुट कर लिया F, F, F और F, तो ये क्या बना 2F, ये क्या बना 2F, तो 2F square 2 times 2F का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कैलकुलेशन से ये आएगा 2√2 बाहर आ गया। और F की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल के दिखाई हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा क्यू बड़ा क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो मेरे को ये मेथड ज़्यादा आसान लगा और फाइनल आंसर एक गो में आ गया। और डायरेक्शन के लिए करना है तो नेमिंग कर दो, जैसे ओके या नेगेटिव वाई एक्सिस कुछ भी लिख दो। मैंने ओके का नाम दिया इस पैरोग्राम में और मैंने लिखा डायरेक्शन अलोंग ओके। क्या ये मेथड क्लियर है? हालांकि और भी मेथड है, कई लोगों ने कॉम्पोनेंट्स लेके किया वो भी सही है, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा ऐसे किया, पर मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? तो सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर का ही खेल है। उसी तरीके से सपोज क्वेश्चन है टू फिक्स्ड चार्जेस, पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड e, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4e और e सेपरेटेड बाय a। नेक्स्ट है वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज की वैल्यू नहीं दी, अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लो Q1 जो मर्जी करो। तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखूं सो दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होती है नेट फोर्स एक्टिंग शुड बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे जीरो है तो समझो वो इक्विलिब्रियम में है। तो एक काम करते हैं, मैंने अपने से एज्यूम कर लिया कि मैंने इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को कहां रख लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो ये कितना है ए माइनस एक्स, तो मुझे एक्स इसमें निकालना है। तो मुझे क्या करना है, प्लस क्यू शुड बी इन इक्विलिब्रियम, उसने बोला ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज जीरो, और नेट फोर्स तो बाद में निकलेगी, पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकलेंगी। प्लस क्यू को किसने किसने फोर्स लगानी है, 4e ने और ने, 4e ने इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल करना है, तो वेक्टर राइट बनेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इनटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल करेगा इस तरफ, तो इसका वेक्टर कहां बनेगा प्लस e की रिपल्शन का इस तरफ कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू e बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो एक वेक्टर फोर्स का राइट, एक वेक्टर फोर्स का लेफ्ट, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, उसने बोला इक्विलिब्रियम में है, और नेट फोर्स जीरो करने का मतलब कि राइट की फोर्स का मैग्नीट्यूड लेफ्ट की फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्योंकि अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल होगा तो नेट फोर्स क्या मानी जाएगी जीरो। तो राइट और लेफ्ट की फोर्स को मैंने उठा के इक्वेट कर दिया, 4e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म बच गई, और इसका अंडर रूट लिया 1/a - x 2/x, सॉल्व किया x की वैल्यू आ गई, तो वो चार्ज पार्टिकल को इतनी दूरी पे रखेंगे ताकि वो किस में रहेगा इन इक्विलिब्रियम।
क्या यहां तक क्लियर है? तो ये सब सुपरपोजिशन है। अब एक काम करते हैं, आपको एक सब्जेक्टिव शीट दी है, सब्जेक्टिव शीट वन सिंगल पेज की है, और ऐसी है देखने में। ये नहीं मिली, ओके ओके, अच्छा सॉरी, ये रही सब्जेक्टिव शीट वन, मैं दे रहा हूं, ये लो, ये बंडल को आगे पीछे देना, एक रख के आगे पीछे पास हो रहा, ये लो। जाते हुए डिस्कशन होगी, हो गया, इतने में तुमने बांट दिया, लो ठीक है, ठीक है। सब्जेक्टिव शीट वन, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं सब्जेक्टिव शीट वन का प्रिंट आउट लेंगे प्लीज, और इसका क्वेश्चन नंबर वन करना शुरू करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर वन, क्या हुआ? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बिगर, अ कूलम, विच इज बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो कई लोगों ने ट्राई किया होगा, तो और कितने चार्ज से बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19 कूलम। तो वन कूलम किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 0.625 इनटू 10 की पावर प्लस 19 माइनस 19 ऊपर जाएगा, ये टर्म आ गई। तो वन कूलम इतने टाइम्स बड़ा होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक तो आंसर पता लग गया, वन कूलम बड़ा होगा, और कितने टाइम्स बड़ा होगा, दिस इज द आंसर। ठीक, जिनका हो गया प्लीज नेक्स्ट करते जाएं।
सेकंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स दो चार्जेस वन कूलम वैक्यूम में है, तो 1/4πε0Q1Q2R2 9×10⁻¹, राइट। नेक्स्ट है, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज गिवन आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, सिस्टम इज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, टेंशन निकालो। देखो इसमें क्या होगा कि सपोज करो आपके पास ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो दोनों क्योंकि सेम नेचर के हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, एफ की वैल्यू तो आप कूलम फोर्स से निकाल लेंगे। अब सबसे बड़ी बात इसमें, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, टी। तो टी टेंशन पेयर में होती है, तो फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वही क्या एक्ट करेगी, टेंशन। तो आपने सिर्फ रिपल्शन की फोर्स निकालनी है, वही टेंशन है, और रिपल्शन की फोर्स आप निकाली लोगे 1/4πε0Q1Q2R² का स्क्वायर, फोर्स वही वही टेंशन है आंसर। अभी अभी चाहिए, खत्म हो गया। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC, ये ध्यान से देख लो, सिंबल माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज −0.8 μC, 10⁻⁶ कूलम, Q1 Q2 गिवन है, इन एयर इज 0.2 N, वो कह रहा है फोर्स तो आपको वो दे रहा है, Q1, Q2 दे दिया, F दे दिया, आपको क्या निकालना है, उनके बीच में सेपरेशन R क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएं 1/4πε0Q1Q2R², पर Q1, Q2 में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करें, प्लीज माइनस को ना पुट करें, मैग्नीट्यूड पुट किया बाय R स्क्वायर, और फोर्स आपको क्वेश्चन में 0.2 गिवन है, तो 0.2 इज इक्वल टू दिस टर्म, सारी वैल्यूज पता है, R कैन बी कैलकुलेटेड, R वेरीफाई कर लो, 0.12 मीटर।
व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो कूलम फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अगर एक चार्ज ने दूसरे के ऊपर 0.2 न्यूटन फोर्स लगाई तो दूसरे ने पहले के ऊपर 0.2 न्यूटन ही फोर्स लगाई, तो आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बाद। मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ यहाँ से, इसमें आपने साइन करने आ देना अटेंडेंस, अपने फ़ोन नंबर चेक करने हैं प्लीज़। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ, तो पर्सनल फ़ोन नंबर हो अगर है तो, और बाकी प्लीज़ जो नंबर दिए हुए हैं उनको वेरीफाई भी करना है, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत क्लियर है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, यानी कि आर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन जब चार्ज दोनों पे सेम है तो ऑब्वियसली सेम चार्ज का की जो बॉडी है वो रिपेल करेगी, तो चार्ज Q1 Q2 इसके इक्वल है, और रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, वो तो पॉइंट चार्जेस ही हैं। तो फोर्स अगर कोई मीडियम ना गिवन हो तो भी वैक्यूम लेना है, अगर एयर बोल दे तो भी वैक्यूम लेना है, एक ही बात है। तो इसने अगर कुछ बोला नहीं बोला, एयर बोला तो 1/4πε Q1 Q2 r² 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁹, चार्ज और आर पुट करो तो एक तो आंसर आई गया रिपल्शन की ये फोर्स होगी, ठीक है, एक आंसर क्लियर हो गया। फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके इक्वल है, जस्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन ए पार्ट, इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड द डबल, तो जितना चार्ज पहले था चार्ज को क्या कर देना है डबल, एंड डिस्टेंस को क्या कर देना है हाफ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले चार्ज Q1 Q2 और डिस्टेंस r था, अगले पार्ट में ध्यान से देखो मैंने चार्ज को क्या कर दिया 2×Q1, इसको भी क्या कर दिया 2×Q2, और डिस्टेंस को क्या कर दिया r/2 का स्क्वायर, जैसे उसने बोला वैसे ही किया, चार्ज को डबल किया और डिस्टेंस को हाफ किया, ठीक हो गया यहां तक। तो मुझे बताओ 2×2 न्यूमिनेटर में क्या आ गया 4, यहां से r²/4 आएगा डिनोमिनेटर में, 4 ऊपर चला जाएगा, 4×4 क्या हो जाएगा 16, तो पूरा अफेक्ट इस 2 का और 4 का कितना आएगा 16, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो आपकी जो पहले फोर्स आई थी ये वाली 4 जिसकी वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, अब ए पार्ट में जो फोर्स आएगी वो 16 टाइम्स ज्यादा आएगी, तो दिस फोर्स विल बिकम 16 टाइम्स मोर,
16 से मल्टीप्लाई कर दो, इस फोर्स को आंसर आया। मेथड समझ में आया, चार्ज को डबल किया और डिस्टेंस को हाफ किया तो 16 का इफेक्ट बाहर आ रहा है। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। यहाँ कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सेकंड पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है, नहीं, ये वाला पार्ट के साथ ये रिलेटेड है, इस मेन पार्ट के साथ अब ये रिलेटेड है। जब सेकंड पार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट वाले को भूल जाओ, कुछ नहीं है। तो वापस ऑरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाओ कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स इसके इक्वल है, जब मीडियम क्या है, वैक्यूम। जब हम इसको वाटर में डालेंगे, ये देखो आखिरी पार्ट में जब ये वैक्यूम में थे तो ये फोर्स हमने सबसे पहले निकाल ली थी, राइट। अब वो कह रहे हैं इसको किस में पुट करना है, वाटर में। हमने क्लास में किया था, फोर्स अगर वैक्यूम में अपॉन फोर्स अगर वाटर में, इसकी जो रेशियो होती है इसको क्या बोलते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो इसकी जगह हमने वाटर में फोर्स निकालनी है, वैक्यूम की फोर्स हमें मालूम है 1.5 इनटू 10 की पावर -2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80। सॉल्व करेंगे, आंसर ठीक है यहां तक। तो वाटर के अंदर भी फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 6 इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन किया था वो इसी से लिया था मैंने, सेम ये हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करना है प्लीज, 7 ट्राई करो। इक्विलिब्रियम का सेकंड क्वेश्चन है ये, चार्जेस को इक्विलिब्रियम में डायग्राम बनाओ और इक्विलिब्रियम बनाओ। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्सेस जीरो। सेवेंथ हो गया, सेवेंथ हो गया। देखो जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो मैंने एक्चुअल में शीट में डाला हुआ है, जो हैंड रिटन शीट थी, वापस आ जाओ शीट नंबर 2 जो आज मिली है आपको। इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ना, वो यही था एक्चुअल में। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू मिड पॉइंट पे है कैपिटल क्यू के, समझ में आता है। शो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम में है? क्यू, उसने इससे पहले वाला क्वेश्चन था, शो दैट स्मॉल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। इसमें कहा सिस्टम ऑफ ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी, सारे की नेट फोर्स जीरो। कैसे? कि जब आप सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करते हो इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स बड़े क्यू के ऊपर भी जीरो आनी चाहिए और छोटे के ऊपर भी जीरो आनी चाहिए, राइट? फर्क है। पहले क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में बोलता था कि छोटा क्यू इक्विलिब्रियम में है बस, तो छोटे क्यू के ऊपर हमने फोर्सेस ड्रॉ की। अब कह रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, छोटा क्यू भी और बड़ा क्यू भी सारे इक्विलिब्रियम में है। तो आपकी तरह मैंने भी ऐसे सॉल्व किया कि
जैसे पिछला क्वेश्चन था तो मेरे माइंड में आया कि छोटा क्यू ही इक्विलिब्रियम में होगा और इससे आंसर आएगा, तो मैंने क्या किया, ये क्यू इस छोटे क्यू को क्या कर रहा है, रिपेल कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, और सिमिलरली ये क्यू इस क्यू को क्या कर रहा है, रिपेल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। आप लोगों ने भी ऐसे किया होगा। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इसको इसके इक्वल किया होगा, हाथ में कुछ आया ही नहीं होगा, बस सब कुछ कट गया है ना, ऐसा ही हुआ। तो मैंने भी देखो ऐसे ही किया, नई बात बनी इससे, कोई बात नहीं छोड़ दो इसे। अब सिस्टम का मतलब छोटे क्यू से आंसर नहीं आया तो बड़े क्यू से तो आंसर आएगा। अब हम किसका इक्विलिब्रियम चेक करके देख लेते हैं, कैपिटल क्यू का, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बार कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में मानते हैं तो नेट फोर्स कैपिटल क्यू के ऊपर जीरो। अब कैपिटल क्यू को कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो लगा रहा है छोटा क्यू, एक लगा रहा है बड़ा क्यू। छोटा क्यू कितना लगा रहा है और कहां लगाएगा इसके ऊपर, रिपल्शन। सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, आप कैपिटल क्यू पे, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कैपिटल क्यू को भी रिपेल करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई 2x का स्क्वायर। दोनों वेक्टर राइट की तरफ आ गए और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगी, जीरो। नेट फोर्स कैसे निकलती है, इन दोनों का एडिशन कर दें, इन दोनों को मैंने ऐड किया, इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम हो गया, नेट फोर्स को जीरो किया। अब ये जीरो से कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर गया, आंसर आ गया। तो यानी कि छोटा क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव में तो आंसर आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि छोटे क्यू से आंसर आएगा, बड़े क्यू से भी आंसर आ सकता है। एक ही बात है, शो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन चार्ज इज इक्वल टू दिस। तो मैंने उल्टा कर दिया, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड आई हैव प्रूव्ड कि चार्ज इज इक्वल टू दिस। एक ही बात है, फिर ऐसे कर लो, इसको ये उल्टा कर लो, जहां छोटा क्यू यूज कर रहे हो वहां यूज कर दो माइनस क्यू बाई फोर, फिर बना लो इक्विलिब्रियम, अपने नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, ऐसे कर लो, एक ही बात है वो तो। ठीक, आपने जस्टिफाई करना है, एक ही बात है, बट पॉइंट समझ में आया कि इसको कैसे करना है। ठीक, और एक चीज ये समझ लो, ये शीट चल रही थी अभी सब्जेक्टिव, मैं उसको सॉल्व कर रहा था और कुछ क्वेश्चंस मैंने इस शीट में लिखे हुए हैंड रिटन में, मैं ये सॉल्यूशन वहां भी लिख सकता था। एक्चुअल में ये जो ये शीट चल रही है इसकी एंड में कलेक्शन बन जाएगी, आपका एक रजिस्टर बनने वाला है, तो जिसमें सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और मतलब जैसे लास्ट ईयर प्लस वन के अंदर भी आपने बहुत देखा, बहुत सारा वो पूरा बंडल था, तो प्लस टू के अंदर भी इस तरीके की ऐसी शीट्स बन जाएंगी कि जिस दिन आपका कॉम्पिटिशन होगा या आपका पेपर होगा उस दिन आपने इन शीट्स को या आपने उस बनाए हुए रजिस्टर को बस आपने रिवाइज कर लेना है, मेन मेन टाइप सारी की सारी रिविजन हो जाएगी। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं ऑब्वियसली अपने हाथ से कर पाऊंगा, तो 5-4 किताबें लिखने वाली बात हो गई, लेकिन मेन मेन क्वेश्चन हर शीट के इसमें से आपको मिलते जाएंगे और इस तरीके से शीट बनती जाएगी, ऑब्जेक्टिव के भी इस तरीके से कैटेगरी बनती जाएगी और ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, आपने इसको प्लीज अपने रजिस्टर के अंदर प्रॉपर इसको नोट्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये पॉइंट समझ में आया। तो अगला एक और शीट का ही क्वेश्चन है वैसे तो, जिसमें ये गिवन है टू इक्वली चार्ज्ड पार्टिकल्स हेल्ड 3.2×10⁻³ अपार्ट आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, इतने मीटर अपार्ट हैं, चार्ज पता नहीं पॉजिटिव पता नहीं नेगेटिव कुछ नहीं पता, बस उनको छोड़ दिया। इनिशियल एक्स और ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं तो दे हैव स्टार्टेड मूविंग, उन्होंने मूव भी करना शुरू किया। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन पहले पार्टिकल की 7 है एंड दूसरे पार्टिकल की 9 है गिवन है। मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल गिवन है, दूसरे का नहीं मालूम। चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं मालूम। तो जब मैं इन्हें रिलीज करूंगा, अब ये आपकी अपनी सोच है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ये मानते हैं कि दोनों चार्जेस एक जैसे पॉजिटिव है तो ये जब रिलीज करेंगे दे विल रिपेल ईच अदर, तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। और अगर आप ये मानते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, आपके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली दोनों केस में क्या आएगा सेम। तो जो भी इनके बीच में फोर्स होगी, एक पार्टिकल दूसरे को मान लो अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, पर एक्सेलरेशन दोनों की इसलिए सेम नहीं होगी एक दूसरे के पास आने की क्योंकि मास दोनों का
डिफरेंट है। तो ऐसे केस में जो फोर्स है एफ, इसको भी उतनी, उस फोर्स से ये एक्सेलरेट करता है ए वन, तो फोर्स इज एम वन ए वन, ऐसी एफ इज इक्वल टू एम टू ए टू। मतलब फोर्स, फर्स्ट पार्टिकल की जो फोर्स है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक्सेलरेशन जनरेट करवा रही है, हम मूव करेंगे उस इंस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस मूव करते हैं, उसके बाद तो चेंज हो जाएगी ना इंस्टेंट पे, जब उसके बीच में इतना डिस्टेंस है बस। तो एम वन ए वन और फोर्स की वैल्यू दूसरे पार्टिकल की भी सेम है, तो एम टू ए टू इक्वेट कर दिया, एम वन पता है, ए वन पता है, ए टू पता है, एम टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो एम वन ए वन एम टू ए टू से ए टू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है, इसी के अंदर इन द अबव क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। अब चार्ज भी निकाल दो, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे था तो इक्वली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, या एम वन ए वन या एम टू ए टू। तो चलो मैंने पुट कर लिया एम वन ए वन, एम वन ए वन इसके इक्वल है, एम वन पता है, ए वन पता है, ये पता है, क्यू नहीं पता, एक्स पता है, तो यहां से क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से फोर्स को एम वन ए वन के इक्वल करके आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो क्यू को, ठीक है यहां तक। तो फोर्स की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम, ठीक है यहां तक। तो ये एक मेथड है, इस क्वेश्चन को रीड करना प्लीज, असाइनमेंट का ही है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा है, कौन सा 14, असाइनमेंट का 14th क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करना प्लीज। तो पिथ बॉल, जिस पे चार्ज स्टोर हो सके उसको पिथ बॉल बोलते हैं, मटेरियल ऐसा होता है। तो एक फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ गिवन। पिथ बॉल का चार्ज गिवन है, मास गिवन है, चार्ज है। व्हाट मस्ट बी द नेचर, साइन बताओ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट वुड बी गिवन टू द सेकेंड पिथ बॉल। एक और बॉल है जो कहाँ रखी गई है, 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो, नीचे रखी गई है पहले के, सो दैट अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी। मतलब ये आपकी ओरिजिनल पिथ बॉल है, इसके नीचे और इसका चार्ज पॉजिटिव में गिवन है, इसका मास भी गिवन है। तो वो कह रहा है इसके 5 सेंटीमीटर नीचे एक और पिथ बॉल है, बोलो इसका साइन क्या होगा और वैल्यू क्या होगी, कि ये बॉल हवा में रेस्ट पे रहे। हवा में बॉल रेस्ट पे नहीं रह सकती, सबको मालूम है क्यों, क्योंकि उसका वेट उसे नीचे घेरेगा, कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव हो, ताकि ये पॉजिटिव मेरे इस पॉजिटिव को क्या करे, रिपेल करे बाहर की तरफ, और एफ ऊपर की तरफ हो, जो किसको बैलेंस कर पाए, वेट को। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, मतलब मैं चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, क्योंकि ने कहा कि इस बॉल को किस पे रहना है, एट रेस्ट। तो रेस्ट के लिए एमजी
मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इनटू Q1 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और ये फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है किसके इक्वल होनी चाहिए, वेट mg। तो mg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पूरे इसके अंदर मास गिवन है, g गिवन है, सिर्फ क्या नहीं गिवन, Q2। तो एक तो आंसर आ गया नीचे वाली बॉल को पॉजिटिव होना है ताकि वो रिपेल कर सके, और दूसरा उसके ऊपर ये चार्ज होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक निशांत? ठीक है यहाँ तक? तो ये मतलब खुद डिसाइड करना है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये आपको खुद सोचना है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आएगा शीट के अंदर ही है, जिसमें ना क्वेश्चन सीजीएस में चलेगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि सीजीएस की कैलकुलेशन कैसे चलती है। जैसे एसआई सिस्टम में वैक्यूम में ये फोर्स का फॉर्मूला है, मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम है, नॉट की जगह एम है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट है रेशियो थी, तो एप्सिलॉन एम के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है ये रहा। इसको उठा के यहां पुट कर दें तो फोर्स मीडियम में इसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? वैक्यूम में ये फोर्स है, मीडियम में ये फोर्स है, बस इसकी जगह मैंने K इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, ऐसा ही चल रहा है। अब अगर यही चीज वैक्यूम में लेके जानी हो, अगर यही चीज सीजीएस में लेके जानी हो, वैक्यूम तो चल ही रहा है, इसमें वैक्यूम है, इसमें मीडियम है, सीजीएस में लेके जानी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये फॉर्मूला सीजीएस में चलता है किसी भी मीडियम के लिए। क्लियर है यहां तक? वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होता है वैसे, तो अगर वैक्यूम होगा तो ये टर्म आ जाएगी, वैक्यूम नहीं होगा तो 1/k रखना है। तो इसीलिए एक शॉर्टकट बना दिया यहां पर, सीजीएस सिस्टम में अगर वैक्यूम होगा तो ये फॉर्मूला, सीजीएस सिस्टम में अगर मीडियम होगा तो यहां पर 1/k लगेगा, बस ये याद रखना है। ठीक, तो याद रहेगा, इसके बेस पे इस क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज, ये शीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेवनटीन। इसको ट्राई करो प्लीज। इसका चल देखता हूं 2 मिनट। देखो इसमें क्या गिवन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इज 16 डाइंस। उसने अपना काम सीजीएस में करना शुरू कर दिया, ये फोर्स है। ऑन इंक्रीजिंग 1 चार्ज बाय 56 टैट कूलम, सीजीएस है, पहले चार्ज सेम है, फोर्स को बढ़ा, एक चार्ज को बढ़ा दिया, दूसरे को नहीं बढ़ाया, 56। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जो जितना 9 सेंटीमीटर पहले था चेंज बाय 3 सेंटीमीटर करना पड़ा,
ताकि इन ऑर्डर टू कीप फोर्स सेम, चार्ज निकाल लो और के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लो। चलो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या। पहले ये समझ लो सीजीएस के अंदर ये फॉर्मूला चलता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, अभी नोट में बताया मैंने। तो केस नंबर वन में वो कह रहा है पहले चार्ज सेम है, फोर्स 16 N है, आर 9 cm है, तो एफ पुट किया 16, चार्ज सेम है, डिस्टेंस 9 है। केस नंबर वन, मीडियम चल रहा है इसमें, वैक्यूम नहीं गिवन, तो के साथ करेंगे। फिर केस नंबर टू में कह रहा है कि इन में से एक चार्ज को बढ़ा दो, पहला Q है, दूसरा Q प्लस 56 है, बढ़ा दिया ताकि फोर्स रिमेंस सेम, फोर्स को नहीं चेंज करना। पर कोई कहेगा कि जब मैंने एक चार्ज को बढ़ाया तो न्यूमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो न्यूमिनेटर इंक्रीज हो गया, फोर्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर उसने कहा कि आप डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, आप 9 में 3 बढ़ा दो या 9 में 3 कम कर दो, आपकी मर्जी है। तो ऑब्वियसली अगर न्यूमिनेटर बढ़ा तो डिनोमिनेटर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि रेशियो रिमेन सेम। तो मैंने 9 को 3 से बढ़ा दिया, दो इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्यू एंड के कैन बी कैलकुलेटेड, घर जाके सॉल्व करना। तो ये इक्वेशंस बनेगी सीजीएस के अंदर, ये सिखाया है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? ओके ओके, वापस आ जाओ सब्जेक्टिव शीट नंबर वन पे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना है प्लीज, 8 नहीं करना, 8 की वैल्यूज कुछ मिसिंग है और वो आंसर नहीं आ रहा, 8 का मैंने शीट में सॉल्व कर दिया, आप प्लीज 9 को करो ट्राई, 9th क्वेश्चन करो प्लीज। आ रहा है? मैंने चेक नहीं किया, फिर कुछ कह रहे थे नहीं आ रहा, पर मेथड आपको आता है 8th का, डन है, 9th करो। इस क्वेश्चन के अंदर वेक्टर्स जिन्होंने ड्रॉ किए वो ऐसे किए होंगे, देखो यहाँ पर एक चार्ज है 2 × 10⁻¹⁸, −10⁻¹⁸ और 1 μC, 10 × 10⁻⁶ कूलम,
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 90 डिग्री एंगल गिवन है, या नेट क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, तो F1 की वैल्यू 1/4πε0 2×10⁻¹⁸ × 1×10⁻¹⁶ बाय सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लेना होल स्क्वायर, F1 आ गया। सिमिलरली ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो 1/4πε0 दिस इंटू दिस, पर याद रखना मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव साइन तो लेना ही ना फोर्स की वैल्यू के अंदर, तो मतलब ये तो कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कि मैं माइनस लगाऊं कि ना लगाऊं, नहीं लगाना। तो दोनों चार्जेस लिए मैग्नीट्यूड में अपॉन मीटर में डिस्टेंस कवर किया होल स्क्वायर, F1 आ गया, F2 आ गया, और कितने एंगल पर है 90। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा अलोंग डायरेक्शन इज PK आंसर। तो अगेन वेक्टर का रूल है इसमें से। ठीक है आदक, क्लियर है, ओके। इसको ट्राई करनी है बाकी शीट को आपने, नेक्स्ट टाइम डिस्कस होनी है बाकी शीट्स। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1 कितने लोगों ने ट्राई की, ठीक है, इसको एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या डाउट्स हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कोई डाउट, फिफ्थ में बताता हूं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में बेसिकली क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो फालतू इलेक्ट्रॉन है तो मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मास भी है। और अगर पॉजिटिव है तो डेफिशिएंसी है, इसके इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए तो इसका मास कम हो जाएगा, तो मे इंक्रीज मे डिक्रीज डिपेंडिंग कि वो बॉडी कितना चार्ज हुई। ठीक है यहां तक, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हो सकता, डायपोल का अगले चैप्टर का डल गया गलती से, 6 नहीं करो, 7 और 10 के बीच में। 7, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, ब्रास प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम। देखो फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, मीडियम में यहां पर क्या पुट कर लेते हैं, ब्रास इज इक्वल टू डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के is equal to force in vacuum by k। मैंने शीट में लिख के दिया था आपको स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए ही कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स का इनफाइनाइट होता है, और मैंने बताया भी था, मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसा क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों। तो 1/∞ 0 है, तो ब्रास प्लेट मेटल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जा नहीं पाएगी, और आपका आंसर क्या आएगा, 0। बहुत बड़ी प्लेट है, नहीं जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके आएगा, वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता किसी कंडक्टर के अंदर ना, पास नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर चार्ज नहीं जाता ना, तो थोड़ा अलग स्टोरी है, मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, मैं अभी ऐसे ही बता पाऊंगा और मेरे को तरीका ही नहीं है, बड़ी लंबी स्टोरी है, अंदर जाना पड़ेगा कंडक्टर और इंसुलेटर के, जा नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में पूछो, 10th क्वेश्चन
ओके प्लीज साइलेंस. देखो टेंथ क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि देर आर टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन एयर एंड फोर्स इज एफ. तो एयर का मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर का स्क्वायर. ठीक हो गया, फोर्स एफ है. अब वो कह रहा है दी डिस्टेंस हम क्या रखें सो दैट फोर्स सेम रहे इन सम मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के. मतलब वो कह रहा है कि डिस्टेंस को चेंज कर लो पर फोर्स शुड रिमेन सेम जब मैं इन चार्जेस को किस में रखूंगा इन अ मीडियम. अब ये तो बात पक्की है कि मीडियम में ये टर्म चेंज हो जाती है, फोर्स भी चेंज होनी चाहिए. पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि आप इसमें मीडियम के अंदर मीडियम यूज करो और सच दैट कि डिस्टेंस को चेंज कर लो लेकिन फोर्स को चेंज नहीं करो. अभी अभी मैंने बताया एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट की रेशियो के है, तो एप्सिलॉन एम की जगह के एप्सिलॉन नॉट यहाँ रिप्लेस कर दो तो फोर्स की वैल्यू आएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर डैश का स्क्वायर. पर फोर्स की वैल्यू तो चेंज नहीं करनी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू बाई आर डैश का स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया सारा, तो आर डैश का स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर बाई के, आर डैश की वैल्यू आ गई आर बाय रूट के. आंसर ठीक है यहाँ तक? तो फोर्स को सेम रखना है, मीडियम को चेंज कर देना है और के की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा. डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं. ट्वेल्थ क्वेश्चन, चार्जेस आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ग्लास शीट इज इंट्रोड्यूस्ड, वैक्यूम के अलावा दुनिया का कोई मीडियम लगा लो, फोर्स बढ़ नहीं सकती, वैक्यूम मैक्सिमम है. तो ले आओ, मेटल तो नहीं है ना, मेटल में तो जीरो आ जाता है आंसर, ग्लास प्लेट है तो आंसर डिक्रीज होएगा. ठीक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है बिल्कुल, मतलब फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन ग्लास इज इक्वल टू के, तो फोर्स इन ग्लास इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई के, के ग्रेटर देन वन है तो डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 13 इसका आंसर डी आ रहा है, जीरो आ रहा है, देखो जीरो आ रहा है. देखो 13th क्वेश्चन, थर्टींथ क्वेश्चन के अंदर सपोज ये एक सर्कल है और कह रहे तीन चार्जेस आपने लिए, एक दो और तीन. ठीक, सच दैट क्यू क्यू एंड क्यू और ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस है कैपिटल आर, ये रेडियस है कैपिटल सेंट्रोइड होगा कैपिटल आर और ये रेडियस है कैपिटल आर. ठीक, और यहाँ पे एक चार्ज रखा कोई कैपिटल क्यू, तो सेंटर पे जो चार्ज है उसके ऊपर आपको फोर्स निकालनी है. ये क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल विद अ फोर्स ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर का स्क्वायर. ये क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई अगेन आर स्क्वायर. और ये क्यू इस कैपिटल क्यू को फिर से एक बार क्या करेगा, रिपेल विद द सेम फोर्स ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर. अब अगर ये ब्लू कलर के वेक्टर्स को देखा जाए, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर, एफ एफ एंड एफ, तो ये तीनों के तीनों के बीच में जो एंगल होगा बोलो ये कितना होगा, सिमेट्री में तीन वेक्टर जा रहे हैं, 120 नहीं होगा, टोटल 360 होता है, तीन से बांटने तो 120 लग नहीं रहा, लग बात है 120. ठीक है यहां तक, तो इसका वेक्टर सम नेट वेक्टर यहां आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर टू एफ एफ कॉस ऑफ कॉस 120 होता है माइनस हाफ. इसे सॉल्व करना, आंसर फिर से एफ आर है, चेक करो इसको सॉल्व करो, टू एफ स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, टू से टू कैंसिल माइनस एफ स्क्वायर, सॉल्व करके देखो आंसर एफ आर है, तो नेट आंसर एफ और एफ क्या हो गया, कैंसल, नेट आंसर क्या आ गया, जीरो. ठीक, आंसर जीरो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
पॉलिथीन रब्ड विद अ वूल चार्ज गिवन है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड? देखो सबसे पहले Q इज इक्वल टू एनी मैंने बताया था, क्वांटाइजेशन कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो n टाइम्स होता है। तो चार्ज आपको गिवन है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं, तो आप यहां पर मैग्नीट्यूड पुट करो n इंटू 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, n आ जाएगा यहां से, जो भी n आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड की वैल्यू आ जाएगी आंसर, कर लोगे ठीक? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो और मास ट्रांसफर्ड की वैल्यू आएगी 15 हो गया 15। इसमें क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इंक्रीज बाय 10%, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एफ की वैल्यू बतानी है कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। हाँ मैं ऐसे ही कुछ करने वाला था, वैसे देखता हूँ मैं दोनों मेथड करके देखता हूँ। सबसे पहली चीज इसमें आप ऐसे कर सकते हो, फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 / r² ये पहली फोर्स है। फिर नई फोर्स क्या हो गई, r की वैल्यू कैसे चेंज करनी है, इंक्रीज बाय 10% है, इंक्रीज बाय 10%, तो कितना हो गया 110/100 इंटू आर, ऐसा हो गया इंक्रीज बाय 10% का मतलब 110 हो गया। तो सॉल्व कर लो f डैश माइनस f डिवाइडेड बाय f, रादर f माइनस f डैश, क्योंकि r बड़ा है तो फोर्स कम हो गई, तो आंसर किस में आना चाहिए, डिक्रीज, डिनोमिनेटर बढ़ गया ना इसमें तो फोर्स कम हो जाएगी, तो इंक्रीज आंसर तो हो नहीं सकता, आंसर डिक्रीज में होगा। तो क्या होगा आप कैलकुलेट कर लेना, इसे इंटू 100 वैल्यू पुट करो, 17% के आसपास आंसर आएगा ठीक। ये तो एक तरीका है, बोलो बोलो। अच्छा ऐसे कर लो, वो कह रहे हैं f डैश माइनस f कर लो, कर लो फिर आंसर ऑटोमेटिकली इसमें आएगा नेगेटिव, इसका मतलब डिक्रीज है, एक ही बात है, मतलब मैंने तो वैसे ही देख लिया डिक्रीज है, जैसे मर्जी कर लो एक ही बात है ठीक। और दूसरा मेथड f इज इक्वल टू ये सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय r स्क्वायर, क्योंकि ना q1 q2 कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, तो एक डेल्टा f बाय f इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r, वो एरर का रूल लगाते थे ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली, परसेंटेज चेंज r में कितना है 10% है, तो रेडियस जब बढ़ेगा r बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, ये तो बात पक्की है कि आंसर डिक्रीज में आएगा, पर ये अप्रोक्सीमेटली 20% आया है, अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास मार्क करना पड़ेगा, दम चाहिए कंपटीशन में 20 का 17 करने में, मेरे अंदर तो नहीं है 10 की 20 मेरा आंसर आए और मैं वहां जाके 17 कराऊं, मेरे में नहीं है, पहला मेथड ही लगा लो जिंदगी का फैसला हो रहा होगा 20 और 17 में तो बहुत फर्क होगा ठीक है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाऊंगा मैं ठीक, बट अंदाजे से पता लग ही जाता है कितने आसपास आंसर रहेगा, पहला मेथड ही ठीक है 12-17 में। हाँ क्यों पंगे लेने, वही तो कह रहा हूँ यार यही ठीक है, जरूरी यार गलत चीज करनी ऐसे ठीक लो, मतलब अप्रोक्सीमेटली अंदाजा तो हो सकता है एग्जैक्ट नहीं। चलो इन एनी केस अभी आपका अगली बार का होमवर्क क्या रहेगा इसको डिस्कस, 24th गलत है, आखिरी शायद गलत है आंसर, नेक्स्ट टाइम कर दूंगा कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, एक तो आपको आज की जो हैंड रिटन शीट मिली है वो आपने अपने रजिस्टर में लिखना है, चैप्टर क्लोज होते ही वो रजिस्टर चेक होना है आपका, वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, तो मतलब ये ना कहना कि ऑरेंडो में इकट्ठा काम भी नहीं होना, मैं खुद रात को 11 बजे बैठा हूँ और 2-2.5 बजे सोया हूँ ये सारा काम करके, वो अलग बात है कि मैं अगला लेक्चर भी कुछ ज़्यादा लिख लाया, मुझे उम्मीद थी कि सारा खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा कोई बात नहीं, तो मैं भी लिख रहा हूँ आप भी लिखेंगे सारा काम, तो आपने एक तो रजिस्टर में लिखना है सारा, सब्जेक्टिव शीट एनसीईआरटी की जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो ट्राई करने हैं, वो अगली बार डिस्कस होने हैं, ऑब्जेक्टिव शीट ये वाली जिन्होंने नहीं ट्राई की वो ट्राई करेंगे, और एक और ऑब्जेक्टिव मिली है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 है या 4 है, दोनों मिली हैं मुझे दिखाना, एक मिनट कौन कौन सी हैं, 3 या 4 में से दिखाना, ये 3 है,
ये थ्री है, सॉरी इसकी नंबरिंग चेंज नहीं हुई, ये थ्री है वैसे, और एक शीट मिली है फोर, ये वाली आपने थ्री नहीं करनी, ये फोर करनी है, ये वाली करनी है, ये आपसे हो जाएगी, वो नहीं होगी आपसे, वो थोड़ी उसका लेक्चर देना पड़ेगा मुझे। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर फोर ट्राई करके आनी है आपने, तो अगली बार ये काम होगा और आगे नहीं चलेंगे, पहले ये सारी शीट्स को क्लोज करेंगे अगली बार, ठीक। आप प्लीज ट्राई करके आना सारा।